नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये है हार्निया के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम हार्निया के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि हार्निया क्या होता है, इसके होने का कारण क्या है, कॉज क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसके साइन क्या है, इसके सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब में से कोई भी नया चैनल पर जुड़ा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं वीक में दो बार आप लोगों से जुड़ने के प्रयास में रहता हूं। पहला, हर वेडनेसडे को मैं अपना एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं, जिसके थ्रू हम कोई ना कोई एक टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, जो कि हर वेडनेसडे होता है। प्लस हर सैटरडे को मैं आप लोगों से लाइव क्लिनिक में जुड़ने का प्रयास करता हूं, जिससे कि मैं आपके सवालों का लाइव स्ट्रीम पे लाइव चैट के दौरान जवाब दे सकूं। फिर अगर वो आप चाहे क्यों ना पेशेंट हो या आम लोग हों जो किसी मेडिकल टॉपिक पे मुझसे चर्चा करना चाहते हों, स्टूडेंट्स हों, बीएचएमएस स्टूडेंट्स हों, न्यूली बिल्ट डॉक्टर हों या सीनियर डॉक्टर्स हों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, हर्निया की प्रॉब्लम इन दिनों बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। ये हर एज हर सेक्स में पाई जाती है। एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी, एक नियोनेट से लेकर के बुजुर्ग आदमी, प्लस ये दोनों सेक्स में बराबर रूप से पाई जा रही है। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हार्निया का मतलब क्या होता है? हार्निया का मतलब होता है कि जब आते हैं, जो कि जनरली एब्डोमेन में होती है, एब्डोमेन मतलब मैं एब्डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो जो एब्डोमेन एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा एब्डोमेन होता है, उसके अंदर आते पाई जाती हैं। तो जब भी हार्निया का पहले ग्रामेटिकल मतलब इंग्लिश में समझते हैं कि हार्निएशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज अपनी बाउंड्री, अपनी परिधि को छोड़कर उससे बाहर निकल जाए, तो दैट इज वॉट इज नोन एज द हार्निएशन। और ये जो हार्निएशन है, ये मेडिकली टर्म है। मेडिकली अगर कोई चीज, मेडिकली अगर कोई कैविटी का ऑर्गन, कोई ऐसी चीज जो जनरली एक बाउंड्री के अंदर, जनरली एक आम आदमी में रहती है, जब वो अपनी बाउंड्री को छोड़ करके या तो किसी ओपनिंग से बाहर निकल जाए, या फिर कोई बगल के अंदर, कोई बगल में कैविटी, उस कैविटी में जाकर के घुस जाए, या फिर एकदम किसी ओपनिंग से आउटर वर्ल्ड के अंदर प्रोट्रूड करने की कोशिश करे, तो इसको हम बोलते हैं हार्निया, हार्निएशन। और हम जिस हार्निया के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उसकी परिभाषा है कि जब पेट का कंटेंट, पेट मतलब एब्डोमेन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आम लोग एब्डोमेन को ही पेट बोलते हैं, और ये वीडियो दोनों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी है प्लस आम लोगों के लिए भी है। तो जब आते हैं, जब हमारे आते हैं जो जनरली हमारे एब्डोमेन में रहती हैं, वो एब्डोमेन को छोड़ के किसी दूसरी कैविटी के अंदर जब घुसने लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हार्निया। अब ये जो हार्निया है, बेसिकली ये होता क्यों है, पहले तो हम ये समझते हैं ये क्यों होता है, फिर हम ये समझेंगे ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और उसके बाद उनके हम सबको, सबके चित्र देखेंगे और उनके डायग्राम देख के हम उसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, फिर हम सीधे ट्रीटमेंट की बात करेंगे। हार्निया होने का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि जब हम एक क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि भाई हमारी आंतें जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन, किसी दूसरी कैविटी के अंदर जब घुसने लगती है, तो हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, हम ये हार्निया बोल रहे हैं। तो इसके होने के पीछे दो कारण हैं। पहला, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ना। लोगों का जनरली इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इन क्रॉनिक इनडाइजेशन की वजह से हो सकता है, कि हो सकता है आपको कोई पुरानी इनडाइजेशन की समस्या हो, जिसके कारण आपके अंदर एब्डोमेन के अंदर गैस, फ्लैचुलेंस और एसिडिटी की वजह से आपका हो सकता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा हो, ये पहला कारण। दूसरा कारण, जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्यों बढ़ सकता है, भैया लोग जनरली आज की तारीख में मोटे हैं, और हार्निया के लिए भी ये कहा गया है कि जनरली हार्निया इज मोर कॉमनली फाउंड इन द ओबेस पीपल, मोटे लोगों में हार्निया ज्यादा देखने में आता है। और मोटे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस होती है, क्योंकि एब्डोमिनल वॉल, जैसे ये अंदर ये आते हैं, मान लो ये मेरी मुट्ठी है, ये आते हैं, और ये आंत को एक एब्डोमिनल वॉल इसको सहारा देती है। जब मेरी एब्डोमिनल वॉल लैक्स हो जाएगी, तो मेरी आंतें कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते को पकड़ के, है ना, किसी न किसी कैविटी को पकड़ के एब्डोमेन को छोड़ के बाहर की तरफ आ जाएंगे, और है ना, और इसी को हम हर्निया बोलते हैं। तो इसके पीछे
दो इसकी पैथोफिजियोलॉजी दो चीजों से मिलती मिलके बनती है। पहला रेज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर विच मे बी ड्यू टू द क्रॉनिक इंडाइजेशन और विच मे बी ड्यू टू द ओबेसिटी, कि मोटे लोगों के अंदर इंट्रा ऑर्गन फैट ज्यादा रहता है, उसके जो एब्डोमिन के जो विसरास होते हैं उन विसरास के बीच में मोटे लोगों के अंदर फैट ज्यादा होता है, और ये फैट ज्यादा होने के कारण इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और आंतें भारी होती हैं, और भारी होने के कारण प्लस ये लोग मोटे हैं तो मोटे होने के कारण इनका एब्डोमन वैसे ही पॉट बेलीड एब्डोमन है, इनका तोंद निकला हुआ है, तो तोंद निकलने की वजह से क्या होता है इंट्रा जो एब्डोमिनल वॉल होती है एब्डोमिनल वॉल उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, और अल्टीमेटली ये दोनों चीजें मिलके इनको हार्निया पैदा कर देती है। अब हम सीधे आते हैं साइन एंड सिम्टम पे कि हार्निया के साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। हार्निया का टाइप अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार का होता है। दोस्तों हर प्रकार के अंदर सिम्टम एक ही है, सूजन आएगी ऊपर से, बॉडी के ऊपर से सूजन दिखेगी, ठीक है ना। अब सूजन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का हार्निया है, किस टाइप के हार्निया पर दिखेगा क्या है? सूजन दिखेगी, ठीक है ना, ऊपर से सूजन दिखेगी, ऊपर से स्वेलिंग दिखेगी, और वो स्वेलिंग जो रहेगी उसकी जब इन्वेस्टिगेशन में सोनोग्राफी होगी तो वो जो होगी वो सोनोग्राफी के अंदर वो चीज बाद में क्लियर होगी कि भाई किस प्रकार का हार्निया है। अब मैं थोड़ा सा खड़े होकर आपको फिजिकली बताता हूं कि जनरली हार्निया कितने टाइप का होता है और कहां कहां होता है, ठीक है ना। अभी आप मेरे को देख पा रहे हैं ये एब्डोमन है, तो अम्बलिकल हार्निया एक होता है, वो अम्बलिकस के ऊपर सूजन आएगी, ये जो अम्बलिकस है इस अम्बलिकस के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगी, यहाँ पे एकदम से स्वेलिंग एक स्वेलिंग जैसी उठेगी तो आपको ये पता चलेगा ये अम्बलिकल हार्निया है। जो दूसरा मोस्ट कॉमन हार्निया होता है वो होता है इंग्वाइनल हार्निया। अब आप देख रहे हैं ये इंग्वाइनल कैनाल है, ये जो इंग्वाइनल कैनाल है इंग्वाइनल कैनाल के अंदर से मेल्स के अंदर क्या पास होता है, इंग्वाइनल कैनाल के अंदर मेल्स में स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो पास होती है, ठीक है ना। तो ये इंग्वाइनल रीजन है, तो इंग्वाइनल हार्निया के पेशेंट को इस रीजन पे स्वेलिंग आएगी, एकदम से सूजन, यहाँ पे सूजन मोटा मोटा सा इस तरह का ऐसा उठाव दिखने लगेगा जैसा मेरा हाथ है, तो दिस इज द सिम्टम ऑफ इंग्वाइनल हार्निया। अब जो तीसरा है ये अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे ना, डिटेल में करेंगे, फिमोरल हार्निया। फिमोरल हार्निया की स्वेलिंग महिलाओं में इस तरफ आएगी, क्योंकि तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे जाता है फिमोरल आर्टरी, ये फिमोरल आर्टरी जाती है ना, महिलाओं के अंदर फिमोरल आर्टरी जो फिमोरल कैनाल होती है वहां से आते नीचे की तरफ आएंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होती, और इसी वजह से क्योंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होती तो स्पर्मेटिक कैनाल नहीं होती, इसलिए महिलाओं में इंग्वाइनल हार्निया नहीं होता, महिलाओं में होता है फिमोरल हार्निया, क्योंकि महिलाओं की फिमोरल कैनाल थोड़ी सी बड़ी होती है नेचुरल रूप से, और महिलाओं का हार्निया कहाँ पे दिखता है, इस जगह पे, क्योंकि यहीं पे जाती है फिमोरल कैनाल। पुरुषों के अंदर इंग्वाइनल कैनाल होती है क्योंकि उसमें से स्पर्मेटिक कॉर्ड जा रही होती है, और इसलिए जो आते होती है वो आते नीचे की तरफ आके इंग्वाइनल कैनाल में घुस जाती है, और इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर इस तरह की जैसा मेरा हाथ है वैसी स्वेलिंग दिखती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द इंग्वाइनल हार्निया का साइन है कि यहाँ पे सूजन होगी, फिमोरल हार्निया में यहाँ पे इस जगह सूजन होगी, और अम्बलिकल हार्निया में आंतों के अम्बलिकस से बाहर आने के कारण यहाँ पे स्वेलिंग होगी, ठीक है ना। और यहीं से हम चालू करते हैं, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ हार्निया की स्टडी, ठीक है ना। अब हार्निया के अंदर होगी स्वेलिंग, और जिस एरिया से एब्डोमिनल कंटेंट जो कि है आते बॉवेल लूप्स बाहर आएंगे, और जिस एरिया में सूजन पैदा होगी हार्निया का नाम वैसा पड़ जाता है, ठीक है, वो अपन आगे देखते हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आप ये डायग्राम में देखिए, उम्मीद है आप देख पा रहे हैं, अभी आप इसको हटा दो, ये एपिगैस्ट्रिक को हटा दो, ये हिएटस हार्निया है। मैं आगे के डायग्राम में आपको वाकई में क्लियर कर दूंगा, है ना, मैं हिएटस हार्निया छोड़ रहा हूं, बस उसका मैं सिर्फ आपको बता भर दूंगा, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि महिलाओं के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड नहीं होती है, तो महिलाओं के अंदर इंग्वाइनल रीजन जो होता है ये इंग्वाइनल रीजन है, तो इसलिए महिलाओं में यहाँ पे हार्निया नहीं पाया जाएगा।
महिलाओं के अंदर जो फिमोरल कैनाल होती है, फिमोरल आर्टरी जहां से जाती है, वहां से आंतों का कंटेंट यहां से नीचे आएगा। तो महिलाओं के अंदर ये जो आप ये डायग्राम में ये देख रहे हैं ना, इस तरह से स्वेलिंग दिखेगी, इस जगह पे ही दिखेगी। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द फिमोरल हार्निया। व्हाट इज नोन इट इज नोन एज द फिमोरल हार्निया। मेल्स के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड यहां चलती है, कहां पे? इंग्वाइनल कैनाल में। तो मेल के अंदर जो ये आते हैं, ये कहां से? ये पूरी आते यहां से नीचे की तरफ आएंगे। और जिस तरह से इस डायग्राम में आपको स्वेलिंग दिख रही है ना, ये स्वेलिंग बिल्कुल ऐसी दिखेगी। इट इज व्हाट इज नोन एज द इंग्वाइनल हार्निया, है ना। और ये तीसरा मैंने जो आपको बताया था कि जब आते जो हैं अम्बलिकस के से बाहर आने की कोशिश करेंगी, तो ये आते जब अम्बलिकस से बाहर आने की कोशिश करेंगी, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग ऑन द अम्बलिकस एंड इट इज नोन एज द अम्बलिकल हार्निया। और ये तो मैं एक डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा आगे, है ना। अब हम इसका कुछ और देखते हैं। देखिए जनरली इस तरह से दिखता है ये जो हार्निया का केस जो होता है ना, वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि ऐसी स्वेलिंग आती है। तो दिस इज द सिम्टम ऑफ हार्निया। वेन एवर द इंटेस्टाइन प्रोट्रूड्स इनटू द आउटसाइड, कि आते हो क्योंकि अब एब्डोमिनल वॉल वीक तो है ही, प्लस अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बड़ा है, तो जो भी कमजोर पॉइंट होगा उस कमजोर पॉइंट से आते घुस के उस दूसरी तरफ चली जाएंगे। दूसरी तरफ मतलब दूसरी स्पेस में या ओपनिंग में या कैविटी में चली जाएंगी, और वहां पे जो स्वेलिंग आएगी उससे उसका नाम भी पड़ेगा और उससे उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी क्लियर होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो वीडियो जिस हार्निया के बारे में है, उसके तीन टाइप होते हैं, अम्बिलिकल हार्निया, फिमोरल हार्निया एंड इंग्वाइनल हार्निया। अब इनको हम थोड़ा सा और हल्का सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कुछ डायग्राम से। तो मैंने आपको एक ये तो दिखा दिया है ना, मैंने आपको ये दिखा दिया। अब आप एक मिनट इस वाली स्लाइड को देखिए, ठीक है। ये इंग्वाइनल हर्निया का एग्जांपल है। ये आते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, इंटेस्टाइन है। थोड़ा सा मेरे को इसको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इंटेस्टाइन है। ये मतलब आते हैं। ये आम दर्शक भी इसको देख के अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये सब हमारी आते हैं जो पिंक कलर से हैं। ये हमारी एब्डोमिनल वॉल है। ये एब्डोमिनल वॉल के वीक एब्डोमिनल लेयर्स की वजह से होता क्या है, इंग्वाइनल रीजन में जो इंग्वाइनल केनाल से आते बाहर आने लगती हैं, और जब ये आते हैं इंग्वाइनल रीजन से बाहर आती हैं, तो इट इज नोन एज द इंग्वाइनल हर्निया। तो ये हमने समझा इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। अब हम दूसरा एक एग्जांपल, ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है अम्बिलिकल हर्निया की। ये नॉर्मल अम्बिलिकस है ना, ये नाभि की बात कर रहे हैं। अम्बिलिकस मतलब नाभि। ये नॉर्मल पर्सन की नाभि इस तरह से होती है। ये मसल्स हैं, ये भी मसल्स हैं, और ये जो है ये आते हैं। पर अम्बिलिकल हार्निया के पेशेंट में इस तरह से अम्बिलिकस के जो छेद होता है वहां से बाहर की तरफ आने की कोशिश करती है, एंड यहाँ पे एक स्वेलिंग आती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द अम्बिलिकल हार्निया। एंड इन द सेम मैनर दिस इज इंग्वाइनल हार्निया। फिमोरल हार्निया, क्योंकि फिमोरल कैनाल महिलाओं के अंदर वाइडर होती है। एक महिला के अंदर फिमोरल कैनाल जो होती है वो बहुत चौड़ी होती है मेल की कंपेरिजन में, और इसलिए महिलाओं के अंदर इंग्वाइनल कैनाल तो होती नहीं है, बिल्कुल पैक होती है। इस वजह से जो कंटेंट होते हैं वो यहाँ से नीचे आते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज द फिमोरल हार्निया, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। उसके कुछ और स्लाइड से हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये स्लाइड बड़ा अच्छा बता रही है कि फिमोरल हार्निया महिलाओं में इधर होगा, मेल में इंग्वाइनल हार्निया यहाँ होगा और अम्बिलिकल हार्निया यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो अपन अलग 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 स्लाइड देखने की कोशिश करेंगे जिससे हमको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखिए, ये फिमोरल हार्निया का ये लोकेशन है जो महिलाओं में होता है, इंग्वाइनल हार्निया का ये लोकेशन है। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये अब इस फचड़े में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप जो देख रहे हैं इस डायग्राम में, जैसा सूजन के रूप में दिख रहा है ना, एग्जैक्टली पेशेंट में यही सूजन मिलती है, एंड दिस इज ओनली साइन ऑफ दैट हार्निया। हार्निया का साइन क्या है? हार्निया का साइन ये है कि भाई जब सूजन हमको दिखने लगेगी,
अगर इस रीजन में महिला के अंदर है तो इट कैन बी फिमोरल हार्निया, इस रीजन पे पुरुष को है तो इट कैन बी इंग्वाइनल हार्निया, और इस रीजन पे अगर पुरुष महिला या किसी बच्चे को है देन इट इज अम्बिलिकल हार्निया। ठीक है ना, अब आप इस वाले डायग्राम में आ जाएं। अब जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा था, मैं आपको हिएटस या एपिगैस्ट्रिक हार्निया बताना चाहता था। भैया जो हिएटस हार्निया है वो देखो, आप ये समझो ये डायफ्राम है अपनी, ये स्टमक है, ये स्टमक के अंदर इसोफेगस है, ये स्टमक है। हिएटल हार्निया में ये स्टमक जो होता है ना ये ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब स्टमक का ये जो हिस्सा है अपर पार्ट ऑफ द स्टमक जो घुस जाता है डायफ्राम के छेद से ऊपर की तरफ, इट इज नोन एज द हिएटल हार्निया, हिएटल हार्निया। अब आप हिएटस हर्निया को तो निकाल दो दिमाग से, क्योंकि हिएटस हर्निया की सर्जरी भी अगर कोई करेगा डॉक्टर तो उसकी सर्जरी की पद्धति ही अलग है, मतलब वो अलग ही ऑपरेशन होता है। अगर होम्योपैथिकली इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे तो हिएटस हर्निया का ट्रीटमेंट एकदम अलग होता है। तो यहां पे इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्डोमिनल हर्निया, है ना। हम एब्डोमेन की जो आंतें जब इधर उधर सड़क के निकलती हैं और सूजन के रूप में दिखती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो कि है तीन, अम्बिलिकल हार्निया, इंग्वाइनल हार्निया और फिमोरल हार्निया। दोस्तों हम सीधे इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है, एलोपैथी में तो कोई इलाज नहीं है, कोई दवा तो है ही नहीं, और सर्जरी करते हैं लोग, है ना। सर्जरी में कुछ नहीं करते लोग, एक जाली लगा देते हैं, एक जाली लगा देते हैं, थ्रश बोलते हैं, पैसरी कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना, वो एक जाली लगा देते हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर राइट साइड में मेरे को इंग्वाइनल हर्निया में ना सर्जरी कराई तो, अब क्योंकि मेरे को एक बार हर्निया हो चुका है और उससे मतलब ये पता चलता है कि मेरी एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस है पहली चीज, दूसरी मेरा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ा है। तो कॉमन सेंस है भाई, अगर आज मैं राइट साइड की सर्जरी करा रहा हूं तो कल मेरे को रिस्क तो है कि मेरे को लेफ्ट साइड में भी हर्निया हो जाएगा। अगर मेरे को इंग्वाइनल हर्निया है तो मेरे को आगे रिस्क है ही कि मेरे को यार अम्बिलिकल हर्निया भी हो सकता है। तो कुल मिला के द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन द एलोपैथी, इनफैक्ट इवन आफ्टर द सर्जरी, कि सर्जरी कर भी दोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, उसका आपको इलाज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको हो सकता है फिर से हो जाए। ठीक है ना। और ये जाली वाली लगाते हैं ना, 8-10 साल में ये भी फेल हो जाती है, वो जाली को समेत लेके आते नीचे आ जाती है, मतलब जो सर्जरी है वो 8-10 साल भी नहीं चलती, उसके बाद वहीं से वापस हर्निया होता है। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। अब होम्योपैथिकली देयर इज वेरी सिंपल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, देयर आर ओनली टू मेडिसिन, प्राइम मेडिसिन विच आर इंडिकेटेड इन द केसेस ऑफ हर्निया, आइदर इट इज इंग्वाइनल, फिमोरल और अम्बिलिकल, तीनों पे सेम दो दवा काम करती है। द फर्स्ट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम 30, तो यू हैव टू टेक लाइकोपोडियम 30 4 पिल्स 3 times a day, एंड द सेकेंड मेडिसिन इज नक्सवोमिका 200, नक्सवोमिका 200 4 पिल्स 3 times a day, एंड इफ यू आर और यू आर एनी पेशेंट और एनी परिवारजन इज द पेशेंट ऑफ हर्निया, देन आप ये जो दवाएं मैंने दो बताई हैं इसको कुछ महीने तक दीजिए, और लगभग 80% केसेस के अंदर सिर्फ इन दो दवाओं से 80% लोगों का हर्निया ठीक हो जाएगा, इस बात का मैं चैलेंज देता हूं, और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है ना। तो दोस्तों आप सबकी डिमांड पे ये था वीडियो, छोटा सा वीडियो था जो कि था हर्निया के बारे में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट शनिवार को शाम को 4:30 बजे लाइव चैट और लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होती है, लाइव क्लिनिक में। तब तक के लिए नमस्कार।